अभी मेरे पॉकेट में बिजली बिल है, देखिए बिजली बिल की बात की है तो ये हमारे दो महीना पर एक एसी चलता है मेरे घर में, और बिल कितना आया है 49,000, वो चेक लेके घूम रहा हूँ कि बिल पटाऊं कि अपने परिवार जिलाऊं। इसमें जाओ तो कहते हैं क्या करें, पहले 8,000, 5,000, 6,000, 3,000, 2,000 आता था, और आपका एक घर है, धोखा देने जा रहे हैं। धोखा नहीं है, 49,450 दो महीने का बिल है, देख लो आपके सामने, वो भी मेरा बिल है, नाम लिखा हुआ है मेरे स्वामीनाथ जायसवाल, पढ़िए। आंदोलन के नाजायज बेटे सब है, आंदोलन से निकले हुए नाजायज बेटे अरविंद केजरीवाल जी। पार्टी तो दो धारी का तलवार है, वो इतना डर गया इनके रूपरेखा से कि वहाँ जाके गुजरात चुनाव में जय श्री राम करके एकदम छोटी, यानी भाजपा का छोटा वो पौधान बन गया है। धर्म के विकास की बात करते हैं, दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। अब दिल्ली मॉडल की बात करते हैं केजरीवाल, तो यहाँ पर वहाँ जाके बोलते हैं कि हर 18 साल के उम्र से ज़्यादा लड़की औरत सबको मैं 1,000 दूंगा नगद हर महीने, और दिल्ली के आज तक किसी औरत को 1,000 मिला? आप जाके मीडिया के माध्यम से, अपने माध्यम से पूछिए किसी औरतों को, किसी बहनों को 1,000 मिला क्या? ये बिजली बिल माफ, अभी मेरे पॉकेट में बिजली बिल है, देखिए बिजली बिल की बात की है तो ये हमारे दो महीना पर एक एसी चलता है मेरे घर में, और बिल कितना आया है 49,950 दो महीना का बिल है, 450 दो महीना का बिल है, वो चेक लेके घूम रहा हूँ कि बिल पटाऊँ कि अपने परिवार जिलाऊँ। ये 49,950 दो महीना का बिल है। BSES में जाओ तो कहते हैं क्या करें, पहले 8,000, 5,000, 6,000, 3,000, 2,000 आता था, और आपका एक घर है, धोखा देने जा रहे हैं। धोखा नहीं है, 49,450 दो महीने का बिल है, देख लो आपके सामने, वो भी मेरा बिल है, नाम लिखा हुआ है मेरे स्वामीनाथ जायसवाल, पढ़िए। गली गली मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया है, ये 200 यूनिट फ्री करने वाले का खाल देखिए, वो तो कह रहे हैं आप लोग फ्री नहीं लेना चाहते। आप याद दिलाए, मेरे साथ में बिल भी रखा था, चेक भी रखा था, या मैं घर परिवार चलाया, यहाँ आदमी मुश्किल हो गया है। जनता तो योगी का स्वागत कर रही है, कह रही है कि हमें भी दिल्ली मॉडल चाहिए। देखिए दिल्ली मॉडल का जुमला, दिल्ली मॉडल का जुमला देकर पंजाब में ऐसे भ्रमित किया, आज पंजाब में पंजाब बदलने के बाद कहा वहाँ का चीफ मिनिस्टर, पत्नी तो बदल लिया लेकिन पंजाब बदलने नहीं जा रहा है, पत्नी बदल गया पंजाब नहीं बदला। अब गुजरात नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे, गुजरात में देखिए, पंजाब में पक्की नौकरी, ये आप देख रहे हैं, 1 रुपया का सुई बेचने में 1 करोड़ का एडवर्टाइजिंग करता है, TV पे आधा आधा घंटा का पंजाब का ऐड आता है, सारे नेशनल चैनल पे ऐड आता है, ये पैसा गरीबों का, टैक्स का पैसा का दुरुपयोग कर जिस तरह से मोदी करते आए हैं, उसी तरह से उनका छोटा पार्टनर ये करते आ रहे हैं, पार्टनर है एक तरफ केजरीवाल बोल रहे हैं कि मैं, उनका मंत्री बोलता है कि हमारे बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध 20 प्रतिज्ञा की बात करते हैं, वो दूसरी तरफ जाके वहाँ पर मंच से जय श्री राम का नारा लगाते हैं, हिंदू की राजनीति कर रहे हैं, हाँ वहाँ पर जाके हिंदू का राजनीति कर, एक तरफ देखिए चरखा चलाने भी भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल वहाँ चरखा चलाते, आप लोग देखे होंगे गांधीनगर में जाके वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर चरखा चलाते भी, हाँ वही देखिए अरविंद केजरीवाल का दोहरा नीति, जिस तरह से दिल्ली को ठगा, एक जिस तरह से उसके बड़े ठग वहाँ से महाराष्ट्र से आकर टोपी लगाकर, दुनिया को टोपी लगाकर जिस तरह से बोले कि यहाँ पर आपको मैं भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा, अन्ना हजारे ने जिस तरह से आंदोलन शुरू किया, वो आंदोलन के नाजायज बेटे ये सब हैं, आंदोलन से निकले हुए नाजायज बेटे अरविंद केजरीवाल जी, और जिस तरह से बोला गया जिस जो मुद्दे लेकर आए देश दिल्ली को, मैं सुंदर और स्वच्छ, आप लोग दिल्ली में रहते हो बताओ दिल्ली कितना स्वच्छ हुआ है, कितना सुंदर है, बारिश हो जाने के बाद आदमी, आम आदमी को चलना मुश्किल हो जाता है दिल्ली में, और दिल्ली में बिजली फ्री, आप बोलते हो कि दिल्ली में बिजली, वो तो कह रहे हैं कि आप लोग फ्री लेना नहीं चाहते इसलिए हम सब्सिडी खत्म कर रहे हैं। देखिए वो तो नाटक है, पहले मोदी जी बोले कि गैस सिलेंडर में सब्सिडी मिलेगा और सब्सिडी खत्म कर दिया गया, तो एक अगले गुरु जो करते हैं वो चेला भी करते जा रहा है, वो देश हित में करते हैं, बाकी तो हम लोग अरविंद केजरीवाल गुजरात में कह रहे हैं रात के 12 बजे के बाद BJP और कांग्रेस दोनों मिलकर मीटिंग करते हैं और हमें गाड़ी देने का। देखिए वो तो दुनिया जान रहा है कि किसको नुकसान केजरीवाल करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान किया, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, तो वो तो अन्ना हजारे तो उनके मुखाटे भारतीय जनता पार्टी का बन के आए, लोकपाल की बात कह के आए, लोकपाल कहाँ है, लोकपाल दिल्ली में लागू हुआ, केंद्र में लोकपाल लागू हुआ, नहीं करने दे रहे हैं। देखिए लोकपाल के बात को लेकर जिस तरह से जनता को भ्रमित किया गया और लोकपाल लेके जिस तरह से
वो तिरंगा लहराते हुए जिस तरह तिरंगा का शपथ खाकर एक एनजीओ चलाने वाला एक आईआरएस ऑफिसर इनकम टैक्स का वो उसको देश का सीएम बन जाता है, सीएम बन के उसके सारे मंत्री घोटाले में लिप्त पाए गए, उसके स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, पंजाब वाले स्वास्थ्य मंत्री पर भी केस हो गया, उसको भी हटाया गया। तो वो बोलता है ईमानदारी, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम पैदल चलेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, कोई सुबह विमान से जा रहा है आजकल भाई, पंजाब विमान से दौड़ा हो रहा है, पंजाब वाला सीएम और दोनों केजरीवाल तो कह रहे हैं देश को नंबर वन देश बनाऊंगा। तो नंबर वन तो बन ही गया ना, अपने नंबर वन बन गया तो अपने चश्मा से लगा कर, जैसे मोदी जी अडानी अंबानी के चश्मे से लगाकर देश को देखते हैं, उस तरह से वो भी अपना चश्मा लगा कर देखता है, जिस तरह से दारू वालों से पैसा लेकर अपना चश्मा लगा के देख रहा है कि देश को बदलने चलना है। अपने तो बदल लिए, मुफलर से आगे एकदम फ्री हो गए, पहले मुफलर लगा के खांसते रहते थे, अपने स्वस्थ हो गए। तो देश तो बदला नहीं, अरविंद केजरीवाल जरूर बदल गए। अरविंद केजरीवाल गुजरात में रेवड़ी बांट रहे हैं, पंजाब में भी रेवड़ी बांट दिए, अब बचा दिल्ली, कुल दिल्ली में अब सब्सिडी वापस लेंगे बिजली बिल, जो स्वेच्छा सब बेचारे आम आदमी को 200 जो फ्री मिलता था, तो आम आदमी को नशा मुक्त बनाने जा रहे हैं वो नशा मुक्त, पहले तो दिल्ली में इतना शराब युक्त कर दिए थे, अब नशा मुक्त गुजरात को क्या बनाएंगे, शराब युक्त करके दिल्ली को और नशा मुक्त गुजरात को करेंगे। पहले तो सर माननी चाहिए उनको, जिस तरह से गांधी के विचारों को, गांधी जी के तस्वीर को अपने घर से हटा दिए केजरीवाल जी, उनके पंजाब के मुख्यमंत्री, और आज केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री जाके वहाँ सूत काट रहे थे। तो ये दोहरे राजनीति, एक तरफ तुम कहते हो सुबह गांधी के विचारधाराओं पर बात करते हो, लेकिन गांधी के विचारधाराओं को छोड़ते हुए अपने को क्या साबित